हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिक्योरिटी सिस्टम बना के दिखाऊंगा। ये आपकी अलमारी पर या फिर जो गेट है गेट पर भी यूज़ कर पाओगे। जब कोई गेट या फिर अलमारी खोलेगा तो ये अलार्म देगा। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट को बनाना भी बहुत आसान है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखना। मेरा नाम है फिरोज, आप लोग देख रहे हो रियल इलेक्ट्रॉन। चलिए फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोगों को BD140 मॉडल का एक ट्रांजिस्टर चाहिए होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, एक बजर स्पीकर चाहिए। मैं यहाँ पर 12 वोल्ट और छोटा एक बजर स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो इससे बड़ा भी यूज़ कर सकते हो, तो बड़ा वाला में ज़्यादा साउंड होगा। तो बजर स्पीकर की जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको हमको ट्रांजिस्टर की मिडिल पॉइंट पर ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने कनेक्ट कर लिया। अब एक रजिस्टर चाहिए होगा, 47 किलो ओम्स का एक रजिस्टर। तो इस रेजिस्टर को फ्रेंड्स, हमारी ट्रांजिस्टर की इस पॉइंट पर और जो बजर स्पीकर का नेगेटिव पॉइंट है उस पॉइंट पर ऐसे कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने कनेक्ट कर दिया। देखिए आप, सर्किट फ्रेंड्स एकदम सिंपल है। मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ कैसे कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग को चाहिए होगा एक रीड स्विच, जो कि मैग्नेट सामने लाने से काम करता है। ये मैग्नेटिक स्विच रीड स्विच के नाम पर जाना जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्विच का जो टर्मिनल है इसको आपको ज़्यादा मोड़ने की कोशिश नहीं करना है। जब आप इसको मोड़ने की कोशिश करोगे तब ये टूट जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो स्विच है ये कांच का बना होता है। तो आप जब इसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो ये टूट सकता है, तो ध्यान रखना ये। अब फ्रेंड्स, इस रेड स्विच को हमको ट्रांजिस्टर के इस पॉइंट पर और ये पहला वाला पॉइंट पर सोल्डर कर लेना है। तो मैं सोल्डर कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने कनेक्ट कर दिया। देख सकते हो, आपको भी ऐसे ही कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं एक 9 वोल्ट बैटरी का कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर 9 वोल्ट देके ऑपरेट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर 12 वोल्ट यूज़ करना तो बजर स्पीकर ज़्यादा साउंड देगा। और बड़ा बजर स्पीकर और 12 वोल्ट बैटरी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बजर स्पीकर का नेगेटिव पॉइंट है और रजिस्टर कनेक्ट किया हमने, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और ट्रांजिस्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा बैटरी का। तो देखिए मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कनेक्ट कर दिया 9 वोल्ट बैटरी। 9 वोल्ट बैटरी से भी काफ़ी अच्छा साउंड हो जाता है, दिक्कत नहीं है वैसा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा करके एक LED भी यूज़ किया हूँ, जहाँ पर मैंने बजर स्पीकर कनेक्ट किया था यहाँ पर कनेक्ट किया हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आपको वीडियो फेक ना लगे या फिर मैंने एक्स्ट्रा करके एडिट करके साउंड ऐड किया ऐसा भी आपको ना लगे। आपको LED भी दिखना चाहिए कि ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर धुरी देख सकते हैं चालू हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को चाहिए होगा एक नियोडियम मैग्नेट। ठीक है, आप यहाँ पर नॉर्मल मैग्नेट यूज़ करोगे तो वो उतना अच्छा काम नहीं करता है। आपको नियोडियम मैग्नेट ही लेना पड़ेगा। यह आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा, आप देखिएगा। या फिर पुरानी एक ईयरबड्स मैंने इसको कलेक्ट किया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैग्नेट है इसको ज़रा करीब ले जाने से ये ऑफ हो जा रहा है, साउंड ऑफ हो जा रहा है एकदम। और जब दूर ले जा रहा हूँ तब ये काम कर रहा बंद कर रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैग्नेट है इसको आपको एकदम ज़्यादा पास नहीं ले जाना है। ज़्यादा पास ले जाओगे तो एकदम बंद हो जाएगा, देख सकते हो। इसको आपको थोड़ी सी दूरी पर रखना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से काम करे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैग्नेट है ये जब पीछे की तरफ आता है या फिर इस स्विच से दूर होता है तभी ये काम करना शुरू करता है। तो हम लोग जब गेट या फिर अलमारी का जो गेट है उसको खोलेंगे तो ज़रूर से गेट पीछे जाएगा, तो ये दूर चला जाएगा मैग्नेट, तो ये काम करना शुरू करेगा। तो देखिए, मैग्नेट जब भी यहाँ से दूर जाता है तब भी ये सर्किट ऑपरेट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से समझिए। मैंने जो मेरे गेट है यहाँ पर मैंने इसको फिट कर दिया हो। आपको जैसे आसानी हो या फिर जैसे कोई दिक्कत ना हो आप वैसे इसको फिट कर देना। तो देख सकते हो, थोड़ी सी दूरी रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से ये काम करे। एकदम पास लगा दोगे मैग्नेट को तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं जब भी गेट को खोल रहा हूँ तो ये अलार्म दे रहा है। एकदम 100% एक्यूरेटली ये काम कर रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। ये डोरबेल की जैसा भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, रूम से जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो ये अलार्म दे रहा है। जब मैं गेट को खोल रहा हूँ तब भी फ्रेंड्स ये अलार्म दे रहा है, आप देख सकते हो। एकदम 100% एक्यूरेटली ये काम कर रहा है। ये देखिए, एकदम अच्छे से काम कर रहा है फ्रेंड्स। ओके,
अब फ्रेंड्स एक अलमारी पर मैंने इसको सेट कर दिया हूँ। देखिए मैं अलमारी को खोल रहा हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स जब भी मैंने अलमारी को खोला तो ये अलार्म दे रहा है, देख सकते हो मैंने यहाँ पर फिट कर दिया हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से फिट कर देना, और यहाँ पर मैंने नियोडियम मैग्नेट को भी फिट कर दिया हूँ। जब ये गेट एकदम बंद होता है तब ये काम नहीं करेगा, ये ऑफ रहेगा। जब गेट खोला जाएगा तभी ये काम करेगा, देख सकते हो फ्रेंड्स एकदम 100% एक्यूरेटली। और फ्रेंड्स इसका जो बैटरी है ये डिस्चार्ज नहीं होगा, जब इसका पावर ऑफ रहेगा, मैग्नेट करीब रहेगा या फिर गेट ऑफ रहेगा तब इससे बैटरी लॉस नहीं होगा, बैटरी का पावर नहीं देगा। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, बैटरी डैमेज नहीं होगा, तो ये बहुत दिन तक चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स ज़रूर से प्रोजेक्ट बनाइएगा, और कैसा लगा, कैसा काम कर रहा है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, वही वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।